हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जिसका प्राइस की हम बात करें तो फिलहाल हमें 100 रुपये से एबव के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें 40 के अप्रोच में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था उस समय से लगातार वीडियो बनाकर आप लोगों को बोला हूँ कि इस स्टॉक के ऊपर हमें फोकस बनाकर रखना चाहिए, फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें बहुत ही शानदार तरीके से रैली देखने को मिलेगा। और स्टॉक के प्राइस हमें लगभग 112 के अप्रोच में जाते हुए देखने को मिला था और वहाँ से हमें लगातार हमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का तो हमें रफली 2% से एबव का हमें करेक्शन देखने को मिला है। क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भी हमें ज़बरदस्त तरीके से हमें गिरावट देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है आज। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं अरविंद लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि रफली यहाँ पे हमें 2.5% से एबव का हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ का तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 91% के आसपास हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है। पिछले 6 मंथ में ज़बरदस्त मुनाफा दिया है। दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर हम पिछले साल दिसंबर में ही वीडियो बनाकर बोला था कि स्टॉक यहाँ पे 2021 का जैकपॉट साबित होगा और स्टॉक 40 रुपये से सीधे हमें 112 के अप्रोच में जाते हुए देखने को मिला और वहाँ से थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर भी स्टॉक ने ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है और फ्यूचर में भी हमें इसमें रैली देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें तो फिलहाल हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक में बहुत ही शानदार तरीके से रैली देखने को मिला। जब स्टॉक की प्राइस 70 रुपये के अप्रोक्स में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था उस समय भी हम आप लोगों की वीडियो बनाकर यही बोला था कि इसके ऊपर हमें फोकस बनाकर रखना चाहिए। हालांकि 70 से 80 के बीच में स्टॉक काफ़ी दिनों तक ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, लेकिन उस समय भी हम आप लोगों को यही बोला था कि हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें हमें रैली देखने को मिलेगा। और वहीं हुआ दोस्तों, स्टॉक 80 रुपये से सीधे हमें 112 के अप्रोच में जाते हुए देखने को मिला और वहाँ से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के दिन तो खैर BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हुआ है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें हमें और रैली देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे बात करें पिछले 1 साल की तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले 1 साल में हमें 217% का मुनाफा ज़बरदस्त तरीके से देख सकते हो। दोस्तों कितना शानदार है, एकदम से जैकपॉट। मैंने यही बोला था, आप लोग जाकर देख सकते हो पुराना वीडियो मेरा, हमने लिखा था, सरयाम लिखा था कि स्टॉक इस साल का हमें जैकपॉट साबित होगा और वहीं हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से मुनाफा दिया है। अगर यहाँ पर बात करें पिछले 5 ईयर की तो पिछले 5 ईयर में अभी भी हमें यहाँ पर लगभग 70% का हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। हालाँकि बात करें सबसे अधिक दिनों की चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे 314% का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। दोस्तों जिस तरीके से हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है, अगर अगले 1 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छा खासा हमें मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर जिसके पास स्टॉक है तो चाहे तो होल्ड करें, अदरवाइज बेच कर निकल जाए, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है अभी, क्योंकि स्टॉक की प्राइस बहुत ही आगे जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में अगर बात करें तो फ्यूचर में भी हमें डेफिनेटली आगे जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा और हमें इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग NSE की साइट पे कि आज की ट्रेडिंग सेशन में लगभग यहाँ पर 46% का डिलीवरी, आप लोग देख सकते हो कितना शानदार तरीके से खरीदारी होते हुए हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से। ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में डेफिनेटली इसका प्राइस हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें इसका पिटविक लो एंड हाई का, स्टॉक ओनली 27 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल और वहाँ से स्टॉक 112 का हाई बनाया है, जो कि इसी साल जुलाई में 16 तारीख को हाई बनाया। हाल ही में दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना शानदार तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा दिया है। वहीं बात करें फेस वैल्यू का तो यहाँ पे हमें 10 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करें इसका क्वार्टर के रिजल्ट का तो यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है, जिसके वजह से हमें इस स्टॉक में रैली देखने को मिला था। वहीं बात करें इस स्टॉक में यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग कितना है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें 43% का अप्रोक्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, वो भी डेटा के बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो रफली हमें 0.5% के अप्रोक्स में यहाँ पर प्रमोटर का शेयर प्लेस देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास है नहीं। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक का यहाँ पे आर्किटेक्ट एप्लीकेशन क्या है,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 2600+ में देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें फेस वैल्यू का, यहाँ पे हमें 1000 रुपये देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें दोस्तों सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे 27.56 देखने को मिला है। जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी निचले स्तर पर हमें, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर बात करें सेल्स का, तो यहाँ पे कंपनी के पास जिस तरीके से हमें सेल्स का डेटा क्वार्टर बाई क्वार्टर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ हमें डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में भी हमें और ही शानदार तरीके से डेटा देखने को मिलेगा और इसका प्राइस हमें बहुत ही आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे क्वार्टर बाई क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे रिजर्व फंड सरप्लस का, कि यहाँ पे देख सकते हो कि रिजर्व फंड सरप्लस कितने कंपनी के पास, तो यहाँ पे भी हमें डेटा काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 2460 का हमें यहाँ पे रिजर्व फंड सरप्लस देखने को मिल रहा है, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों यहाँ पे करोड़ों में है। जो कि बात करें यहाँ पे डेप्ट का, तो यहाँ पे हमें डेप्ट भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। जो कि बात करें फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे फिक्स एसेट भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हमें 3600+ में फिक्स एसेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों यहाँ पे करोड़ों में। जो कि बात करें यहाँ पे दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इस स्टॉक में यहाँ पे FI की होल्डिंग कितना है और यहाँ पे डे की होल्डिंग कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करूँगा यहाँ पे प्रमोटर का, तो यहाँ पे हमें प्रमोटर का होल्डिंग 43% का यहाँ पे भी हमें होल्डिंग देखने को मिले। जो कि बात करें FI की होल्डिंग की, तो यहाँ पे हमें 15% से एबव हमें होल्डिंग देखने को मिले, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करेंगे डे की होल्डिंग की, तो हमें 6% से एबव हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, तो हमें 36% के अप्रोक्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा और हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें इस प्राइस से, तो जिस तरीके से हमें आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ पे जिस तरीके से BSE सेंसेक्स और Nifty 50 में जितना शानदार तरीके से हमें करेक्शन देखने को मिला है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो इसका प्राइस हमें लगभग 94.20 का एक हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर इसमें और हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस सीधा हमें इस प्राइस तक आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बात करें फ्यूचर का, तो फ्यूचर में इसका प्राइस हमें डेफिनेटली 150 की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। स्टॉक हमें फिलहाल काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।